सुदर्शन ऑर्गनायझेशन अंतर्गत बलशाली राष्ट्रासाठी तरुणाईचं नैतिक संगोपन हे ब्रीद घेऊन तत्वशील पुरस्कार योजना कार्यान्वित केली आहे. अशा प्रकारची योजना राज्यात प्रथमच राबवली जाते. दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाचं औचित्य साधून अहमदनगर पोलीस हॉल इथं संध्याकाळी 4 ते 7 या वेळेत हा कार्यक्रम होईल. शहरातील सर्व मुख्याध्यापक आणि पुरस्कारार्थी सहभागी पुरस्कारार्थी व्यक्तींना सहपरिवार आमंत्रित केलं. त्याचप्रमाणे सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना पालकांबरोबर आमंत्रित करण्यात आलंय. या कार्यक्रमासाठी सुदर्शन ऑर्गनायझेशनचे राजेंद्र कटारिया, अशोक भंडारी, सचिन अग्रवाल, युवराज नवले, प्रसाद बेडेकर, सुरेखा आडम, शरद दारकुंडे, श्रीकांत चिंतल, प्रियांका सोनवणे आणि मान्यवर उपस्थित आहेत. देश सगळ्या म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, क्रीडा, शिक्षण, कृषी अशा अनेक पातळीवर खूप प्रगती करतोय आणि ही प्रगती जर खूप चांगल्या फळाला आणायची असेल तर आपल्या नवीन पिढीने नैतिक दृष्टीवर सुद्धा, नैतिक पातळीवर सुद्धा खूप स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे. आणि जर हे शक्य झालं तर आपला देश नक्कीच, किंवा ही भविष्यातली पिढी आपल्या देशाला एक खूप चांगला बलवान भारत इथपर्यंत नेऊ शकेल. हा विचार करून आम्ही हे नैतिक, मुलांची नैतिक पातळी सुधारवण्यासाठी हा एक प्रयोग आपण राबवलेला आहे. सुदर्शन ऑर्गनायझेशननी याच्यावर खूप रिसर्च करून हा प्रयोग तयार केलेला आहे. हा प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी या सगळ्यांचं आम्हाला खूप सहकार्य मिळतं आहे. आणि हे करत असताना समाजातल्या सर्वसामान्य ज्यांना आपण समजतो अशी खूप तत्वशील व्यक्ती आहेत की त्यांचंसुद्धा आपण त्यांना रेकग्निशन देणार आहोत, त्यांचा साथ. ये हमारे जनरेशन, हमारी बात और यंगर जनरेशन को डायरेक्शन की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से डायरेक्शन की ज़रूरत है जो उनके आसपास है, ना कि जो वेस्टर्न मीडिया में है. हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस रहने की वजह से हम लोग जो नेट पे देखते हैं रोल मॉडल्स, तत्व और ये सब चीज़ों के बारे में, तो सब फिलोसॉफिकल हमको वेस्टर्न ही डोमिनेट करती है नेट पे. लेकिन हम लोग आसपास अगर देखें, हमारे सोसाइटी और हमारे आसपास के लोगों ने भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनके प्रिंसिपल्स और वर्च्यूज़ पे अड़े रह के उन्होंने सिचुएशंस क्रॉस किए और बहुत नाम कमाए अपने लिए, अपने समाज के लिए, नेशन के लिए. तो उन चीज़ों को हमको, उन लोगों को हमको हाईलाइट करना है. वो लोग सेलिब्रिटीज़ के फोकस में वो लोग अलग हो जाते हैं और कोई लोगों को पता नहीं रहता कि यहाँ पर रह के भी आदमी ने इतना अच्छा काम किया है. वो लोग रिकग्निशन के लिए काम नहीं करते, बट जो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब सोसाइटी को पता चले उन लोगों के बारे में. हम लोग अभी 22 स्कूल्स में पहुँचे हैं फर्स्ट राउंड के अंदर ही, और अराउंड 325 पार्टिसिपेंट्स ने हमें फीडबैक फॉर्म्स या जो पार्टिसिपेट किया है, और हम लोगों ने 3000 स्टूडेंट तक रीच किया है. उसमें से 325 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इंस्पाइट उनके एग्ज़ाम्स चालू और स्टडी लोड के अलावा, और स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है.